पहले के बाद दीपावली तो यहाँ पहले तो मुझे जिस समय इसकी जानकारी हुई तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि आयुष्मान योजना में हमारा नाम आने का कोई मतलब ही नहीं होता और औचित्य नहीं होता। आयुष्मान योजना जो है वो जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक वो चलाई गई है, पूरे देश में व्यवस्था की गई है कि जो लोग बिना इलाज के बिना चिकित्सा के मतलब चिकित्सा की कमी की वजह से जिनकी मौत हो जाती है या बड़े इलाज बड़े बीमारियां हैं जिनका कितना पैसा सम धनाभाव की वजह से जिनको जो मौत होती है और जो कैजुअल्टी बढ़ती हैं उनको रोकने के लिए व्यवस्था चालू की गई। जिनके पास पैसा है वो तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, करवा लेते हैं, कुछ हद तक रोका जा सकता है। लेकिन जो धनाभाव की वजह से जो गरीबों में ये समस्या थी उसको रोकने के लिए किया गया था। अब हमारा नाम आने का कैसे किसने किया हम इसको नहीं बता सकते, न कह सकते हैं, न तो हमारी तरफ से कोई आवेदन किया गया इसके लिए, न कभी भी इसके बारे में हमसे कभी भी पूछताछ की गई, न हमारे से इसके बारे में जैसा कि इंक्वायरी होती है। अमूमन कोई भी योजना आती है उसके कार्यकाल या जो भी होता है उसको लाने के लिए उसको पूरा करने के लिए उसमें इंक्वायरियाँ होती हैं, वो भी कुछ नहीं की गई। जिस शख्स ने जैसे किया किस तरीके से हमारा नाम दिया यह हमें नहीं मालूम। रही बात इसकी, हमारा जो हमारी जानकारी में है अभी बीच में अखबारों में भी आया था और मीडिया में भी आया था कि जिनके पास मोटरसाइकिल है, टीवी है, फ्रिज है, ऐसे लोगों को ऐसे में अपात्र माना जाएगा जो वास्तव में गरीबी हैं, गरीबी की मतलब सीमा से नीचे चल रहे हैं और जिनका वास्तव में आवश्यकता थी तो उन लोगों के लिए ये योजना थी। और जबकि हमारा तो सन शायद 84 से आज से 34 वर्ष पहले से हमारा आयकर रिटर्न भरा जा रहा है।